अच्छा जी, जब राइट रोटेट करते हैं 75 को, तो अब 75 ने नीचे चले जाना है और उसकी जगह 50 आ जाएगा। तो जो सिंपलेस्ट काम है उससे हम लोग शुरू करते हैं कि हमारे पास 75 की जगह पे 50 आ गया और 50 के राइट साइड 75 आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारे पास पहला काम हो गया। अच्छा, अब हम लोग बाकी चीजों को देखने के क्या होंगी। देखें, 75 का राइट पे जो चीज पहले थी वो उसी तरह रहेगी। दैट मीन 75 के राइट पे 100 था, 100 के लेफ्ट राइट पे 80 और 200 थे, तो वो चीजें उसी तरह रहेंगी। तो राइट का जो सब ट्री है वो उसी तरह रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। 75 का जो राइट ट्री है, तो ये हमारे पास 100, 80 और 200, ठीक है, तो ये हमारे पास इसी तरह रहेगा। तो दैट मीन्स ये जो पॉइंट है 75 का जो राइट है, इसके ऊपर हमारे पास कोई चेंज नहीं आई। ठीक है, अच्छा, 50 के राइट पे जो चीज थी, ये जो 50 का हमारे पास राइट था, इसका क्या बनेगा? व्हाट अबाउट दिस थिंग? क्योंकि 50 का राइट तो पहले ऑक्यूपाइड था, उस पे 65 और 70 था, तो अब तो हमारे पास 50 के राइट पे 75 आ गया, तो व्हाट शुड वी डू विद 65? चलो इसको ट्रेस करने की कोशिश करते हैं। देखो, जो 65 है वो 50 से बड़ा है, ठीक है, डेफिनेटली 50 से बड़ा है, तभी उसके राइट साइड पे है। अब 50 का राइट साइड तो हमने ऑक्यूपाई कर दिया, उस पे 75 आ गया। अगर हम लोग देखें तो पहले हमारे पास 75 का जो लेफ्ट है वो हमारे पास ऑक्यूपाइड था, ठीक है, 75 का लेफ्ट जो है वो हमारे पास ऑक्यूपाइड था। अब हमारे पास 75 का लेफ्ट जो है वो हमारे पास फ्री हो गया, ठीक है, अब 75 का लेफ्ट जो है वो हमारे पास फ्री हो गया। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि 50 के राइट साइड पे जो भी चीज है वो 75 से छोटी होगी और उसके लेफ्ट साइड पे आ सकती है? यस सर, ठीक है, तो 50 का राइट जो है अब ऑक्यूपाइड हो गया, उसके साथ ही 75 का लेफ्ट फ्री हो गया, और 55 के राइट साइड पे जो भी चीज है वो 75 से छोटी होगी, दैट मींस उसके लेफ्ट साइड पे आ सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि जो 55 का राइट था उसे हम लोगों ने कनेक्ट करते हैं 75 के लेफ्ट के साथ, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो 65 है ये हमारे पास 75 के लेफ्ट पे आ जाएगा। तो हमारे पास 65 इसके लेफ्ट पे आ गया और फिर 65 का जो सब ट्री था वो हमारे पास उसी तरह रहेगा, ठीक है। अच्छा, तो ये हम लोगों ने भी क्या काम किया कि हम लोगों ने ये जो 50 का राइट था वहां पे हमारे पास 75 आ गया, और जो 75 का लेफ्ट था वहां पे हमारे पास 50 का राइट आ गया। तो ये हमारे पास एक एक चीज है। देखो, अगर आप लॉजिकली सोचोगे ना तो आपको इवन इसको याद रखने की भी जरूरत नहीं है। जब आप ये तो समझ आ गए कि 50 75 की जगह पे आ जाएगा और 75 जो है 50 का राइट साइड बन जाएगा, ये चीज तो समझ आ गई। इसे अगर आगे आप सोचो ना तो आगे आपको चीजें खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगी। खुद ब खुद आपके पास कैसे क्लियर हो जाएंगी कि 50 का राइट ऑक्यूपाई हो गया है और 75 का लेफ्ट जो है वो फ्री हो गया है, तो जो 50 का राइट है वो ऑटोमेटिकली 75 के लेफ्ट पे आ जाएगा, ठीक है, ला सकते हैं क्योंकि उसे बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टीज वायलेट नहीं होंगी। और बाकी जो हमारे पास 50 का लेफ्ट था वो हमारे पास उसी तरह रहेगा, उसके अंदर हमारे पास कोई चेंज नहीं आएगी। तो वो हमारे पास 25, 10, 35 और 30, ठीक है, ये हमारे पास उसी तरह रहेगा। तो बस ये आपने देखना है कि हमारे पास 50 का लेफ्ट उसी तरह रहेगा, 50 का राइट हमारे पास जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, 50 का राइट हमारे पास जो है वो चेंज हो गया और 75 का लेफ्ट जो है वो हमारे पास चेंज हो गया। बाकी चीजें जो है वो हमारे पास बिल्कुल उसी तरीके से रहेंगी जिस तरह हमारे पास पहले थी। ठीक है, ये बेटे क्लियर है सबको? हाँ, इसके अंदर एक और फैक्टर होगा कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंटर होता, जिस तरह अगर हमारे पास रूट था और रूट के अंदर अगर हमारे पास पहले जो है वो 75 पड़ा हुआ था, तो अब हमें रूट को भी चेंज करना पड़ेगा। तो रूट के अंदर पहले 75 था या कोई भी पेरेंट नोड है, अब इस केस में पेरेंट नोड जो है वो है नहीं, तो रूट के अंदर एड्रेस पड़ा होगा 75 का। अगर कोई पेरेंट नोड होती
तो उसके अंदर फिर 75 की जगह जो है वो हमारे पास इसका 50 का एड्रेस आ जाता। तो अगर आप इम्प्लीमेंटेशन के परस्पेक्टिव से देखो तो ये तीन पॉइंटर्स आपको सेट करने पड़ेंगे, एक 50 का राइट सेट करना पड़ेगा, उधर 75 का लेफ्ट आ जाएगा, 75 के लेफ्ट पे जो है वो हमारे पास जो है वो 50 का राइट आ जाएगा, ठीक है। और फिर रूट के अंदर जो है वो हमारे पास या जो भी पेरेंट पॉइंटर है उसके अंदर जो है वो हमारे पास 50 का एड्रेस आ जाएगा, पहले 75 का एड्रेस था। तो इम्प्लीमेंटेशन के परस्पेक्टिव से ये तीन चीज़ें जो हैं ये आपके पास चेंज होंगी, बाकी पॉइंटर्स जो हैं वो हमारे पास उसी तरह रहेंगे, ठीक है। इससे रिलेटेड बेटे कोई भी क्वेश्चन हो आप लोगों का, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ समझ ना आई हो।